इसमें ये निर्णय लिया गया था कि हमारा जो दलित प्रकोष्ठ महादलित प्रकोष्ठ के द्वारा जिलों में जिला स्तरीय सम्मेलन करें और आपको ये बताते हुए वो प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों ने इस संबंध में पूरा कार्यक्रम बना लिया है और हमारे जो 38 जिले हैं उस सबों में हमारी 6 टीम वहाँ जाएगी और ये 6 टीम जो है इसके हमारे जो लीडर हैं उनका मैं नाम बता देता हूँ। एक टीम है जिसमें मैं खुद रहूँगा, टीम दूसरी है जिसमें आदरणीय श्याम रजक जी हैं लीडर, तीसरी टीम में हमारे संतोष निराला जी मंत्री जी हैं, चौथी टीम में हमारे रमेश खिड़े जी हैं मंत्री जी, पाँचवीं टीम में महेश्वर हजारी जी मंत्री जी हैं और छठी टीम में अशोक चौधरी जी। और ये हम लोग 1 अक्टूबर से शुरू करेंगे और ये 8 अक्टूबर तक समाप्त होंगे। और हम लोग जो वहाँ जाएंगे जिलों में तो हमारे जितने भी जिला स्तरीय प्रखंड स्तरीय पंचायत स्तरीय बूथ स्तरीय टोला में भी जो हमारे पार्टी के हमारे इतने कार्यकर्ता साथी हैं उनको हम लोग सम्मेलन में संबोधित करेंगे और उसके बाद हम लोग 19 तारीख से जिलों में तैयारी करेंगे। यहाँ से हम लोग प्रभारी भेज रहे हैं और लोग जाकर के जिलों में तैयारी और इसमें मुख्य रूप से जो हमारी सरकार ने हमारे नेता ने जो समाज के लिए जो काम किया विभिन्न क्षेत्रों में जो काम किया है उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। और ये जब हमारा पूरा का पूरा जब जिला का हमारा सम्मेलन समाप्त हो जाएगा इसके बाद आप जानते हैं कि दशहरा शुरू हो जाता है और दशहरा के बाद हम लोग फिर 25 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर हम लोग जो है इस सम्मेलन दलित महादलित सम्मेलन हम लोग जो हमारे 9 प्रमंडल हैं वहाँ पर करेंगे, उसकी भी हम लोग यहाँ पर तिथि निर्धारित कर दिए हैं। आपको इसके बारे में हम लोग चीज़ों को दृष्टि में रखें। हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग नीचे स्तर से लेकर करके प्रमंडल स्तर तक जितने हमारे साथी हैं उन सबको सरकार के द्वारा जितने काम किए गए हैं उनके बारे में अच्छी से जानकारी दे दी जाए जिससे कि उनको लगे कि सरकार ने जो हमारे लिए काम किया है उसका फायदा भी लेना है और अगर कहीं किसी को परेशानी आती है तो उसकी भी जानकारी हम लोग उठा के देंगे तो हम लोग